प्रेम के सहारे जीवन बिता रही हूँ। तेरे नाम के सहारे जीवन बिता रही हूँ और जैसी भी निभ रही है वैसी निभा रही हूँ। तुम राजदा हो सबके, तुम राजदा हो सबके, हर दिल की जानते हो, फिर भी ए हाल दिल में अपना, फिर भी हाल है दिल में अपना तुमको सुना रही हूँ। दरबारी की जय। कहते हैं जो पर्वतों को पलटते उसे तूफान कहते हैं, जो पर्वतों को पलटते उसे तूफान कहते हैं, जो करता है तूफानों का सामना उसे इंसान कहते हैं, जो इंसान को इंसान ना समझे उसे हैवान कहते हैं, और जो करे हम जैसे गरीब भक्तों पर दया उसे भगवान कहते हैं। एक बार जोरदार तालियां अगर बात अच्छी लगे। देखिए बड़ा सुंदर भजन है, एक एक शब्द बहुत सुंदर है। थोड़ी देर पहले मैं गाना सुन रही थी, भजन सुन रही थी, हमारे भैया बता रहे थे कलयुग के बारे में। बड़ा सुंदर भैया ने उसको बड़ा एक्सप्लेन अच्छे से किया, कलयुग कैसा युग है, बड़ा अच्छा बताया। कोई बाप ना है, कोई भैया नहीं किसी का, बहुत सुंदर वर्णन किया। अब भक्तों में आपको कलयुग के बारे में भजन सुनाती हूँ, सुनेगा। देखिए भक्त अखबार की बात है, देखिए अच्छा बुरा हो रहा है तो लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है। देखिए गौर से सुनेगा, बड़ा सुंदर भजन है, रियलिटी है अपनी लाइफ की। अच्छा बुरा हो रहा है तो लोग क्या कहेंगे, कलयुग चल रहा है। बुरा आदमी कर रहा है लेकिन लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है। बिगड़ आदमी रहा है लेकिन लोग कहते हैं कि कलयुग चल रहा है। लेकिन कहते हैं भक्तों इस कलयुग के बराबर ना तो कोई युग आया है और ना कभी आएगा। कहते हैं तुलसी बाबा कहते हैं कि कलयुग ऐसे नरक से धोखियों निष्कतराम। कलयुग में तुलसी बाबा ने कहा है, पुराणों का भजन है। तुलसी बाबा कहते हैं अगर कलयुग में कोई एक बार राम का नाम ले ले, अगर राम का नाम ले ले, एक बार प्रभु का कीर्तन कर ले तो इस भव सागर से तार हो जाता है, पार हो जाता है वो भगत। ऐसी इस महिमा है इस कलयुग की। देखिए एक बार की बात है, कहते हैं कलयुग नहीं समान युग जोनर कर विश्वास, कलयुग नहीं समान युग जोनर कर विश्वास, और भजिए राम गुण कल विमल भव तरही से नहीं प्रयास। तुलसी बाबा ने कहा कि जो इसमें भव से बेड़ा पार हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति हरि का नाम ले ले, प्रभु का सुमरण कर ले तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। इतना सुंदर युग बताया है, एक बार की बात है। कलयुग का राज दरबार सज रहा था भक्तों, आज कलयुग चल रहा है। कलयुग का राज दरबार सज रहा था, अब तीनों युग आ जाते हैं, एक सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग के राज दरबार में पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर पहुंच गए, अब कलयुग ने पूछा, दरबारी ने कहा भाई तुम कौन लोग हो, कौन हो तुम? तो उस दरबारी से जब इतना कहा तो दरबारी से कह दिया गया कि मैं सतयुग हूँ, ये त्रेता है और ये द्वापर है। तीनों युगों ने अपनी पहचान बता दी। अब दरबारी गया कलयुग के पास और कहने लगा, महाराज तीन युग आए हैं। कौन आए हैं? तीन युग आए हैं, एक अपना नाम कलयुग, एक सतयुग बता रहा है, एक त्रेता बता रहा है, एक द्वापर बता रहा है, तीन युग आए हैं। कलयुग ने कहा भाई अगर वो तीन युग आए तो काम कर, वो मेरे भाई हैं, उन्हें आदर के साथ अंदर लाओ, उन्हें आदर के साथ अंदर लाओ। तो कलयुग ने, जब कलयुग ने इतना कहा तो तीनों युग अंदर आ गए। कलयुग ने पूछा भाई कैसे आना हुआ, भाई कैसे आना हुआ? तो उन्होंने तीनों युगों ने कहा भाई कैसे नहीं। लेकिन भक्तों कहते हैं अगर कोई झूठ बोलता है, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें स्पष्ट कर देती है, आंखें बिल्कुल स्पष्ट बताती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। कलयुग समझ गया कि
दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कलयुग ने भाप लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब कलयुग ने कहा कि चलो भाइयों कुछ नहीं, जैसे आना हुआ पहले तो तुम अपनी राज्य प्रणाली सुनो, तुम्हारे राज्य में क्या हुआ, फिर मैं अपनी राज्य प्रणाली सुनाऊंगा। और किस प्रकार से कलयुग ने भजन गाया, बोले सच्चे दरबार कलयुग युगों से बोला। कलयुग ने कहा भाइयों देखिए बड़ा सुंदर भजन है, अब तक तो तुमने राज चलाया सतयुग त्रेता द्वापर, अब मेरे राज की प्रणाली सुनो, मैं कैसे राज चलाता हूँ, पहले तुम अपनी सुनो फिर अपनी मैं बताऊंगा। कहने लगा कलयुग, कलयुग युगों से बोला और तुम हो बेकार के। कलयुग ने कहा सतयुग त्रेता द्वापर तुम तो बिल्कुल बेकार के हो, बिल्कुल बेकार। कलयुग ने कहा कलयुग युगों से बोला, कलयुग युगों से बोला तुम हो बेकार के। और कहने लगा क्या धर्म और करम ना होवे शर्म बेशुमार के। धर्म और करम ना होवे शर्म बेशुमार के, धर्म और करम ना होवे शर्म बेशुमार के। जय हो, क्या बात है, क्या बात है, ताली बजा के क्या बात है भैया की तालियां से। अब काहे बैठे हो तुम नजर नीचे डाल के। और बात
और करम ना होवे शर्म बेशुमार के, धर्म और करम ना होवे शर्म बेशुमार के, धर्म और करम ना होवे शर्म बेशुमार के। ताली बजाते हुए क्या बात है भाइयों की, इधर से मेरी माता बहने ताली बजा के जोर से, क्या बात We'll be right back.
माया रूपी जंगल में भटकने लगा। और हुआ क्या, अरे बनकर मृगा घूमने लगा, बनकर मृगा घूमने लगा, सुंदर स्वर्ण सजीला बड़ा विकट चमकीला रे कीला। कलयुग इस माया रूपी जंगल में भटकने लगा, कलयुग बन गया सोने का हिरण और इस माया रूपी जंगल में भटकने लगा। उधर से दो शिकारी आ रहे थे, टू हंटर्स। शिकारियों ने देखा मृग सोने का, डियर प्योर गोल्ड, राज कलयुग का, मृग सोने का राज कलयुग का, लालच आ गया। और इन हिरणों को देखा, हिरण को देखा तो लालच आ गया। और हुआ क्या, आए तो शिकारी मारा। शिकारी सोच रहे हैं राज कलयुग का हिरण सोने का, लालच आ गया और एक अंटा निकाला और मारा, हिरण मर गया। हुआ क्या, आए तो शिकारी मारा, आए तो शिकारी मारा, एन जी निकार के धर्म और कर्म ना हो बे शर्म बे सुधार के, धर्म और कर्म ना हो बे शर्म बे सुधार के, धर्म और कर्म ना होंगे शर्म बे सुधार के। देखिए भक्तों, शिकारियों ने सोचा हिरण सोने का राज कलयुग का, मृग सोने का राज कलयुग का, दिन में ले चलेंगे तो पुलिस छीन लेगी, दिन में ले चलेंगे तो पुलिस छीन लेगी, एक काम करते हैं, इसे एक काम करते हैं, झाड़ी में छिपा देते हैं, रात होएगी ले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अब शिकारियों ने सोचा दिन होगा तो पुलिस छीन लेगी, रात को काम करते छिपा देते, रात को ले जाएंगे। अब हुआ क्या, एक भाई बोला कि भैया मुझे भूख लगी है, कलयुग कह रहा देखो देवताओं, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी प्रणाली क्या है। एक शिकारी बोला भैया मुझे तो भूख लगी है, तो दूसरा बोला भाई काम कर, तू जा और कुछ खाने को मुझे भी ले आना और कुछ खुद भी खा के आ जाना, कुछ मुझे भी ले आना और कुछ खुद भी खा के आ जाना, इतने मैं इसकी सेफ्टी पे हूं, मैं बैठा रहूंगा। अब एक शिकारी वहीं बैठ गया, एक शिकारी अपने घर जा रहा है, शिकारी सोच रहा है जो घर जा रहा है, हिरण सोने का है राज कलयुग का है, दिन में ले चलेंगे पुलिस छीन लेगी, दो हिस्सों में बट जाएगा, दो हिस्सों में बट जाएगा, एक काम करूं लड्डू बनवाऊं, लड्डू जहर मिलवाऊं, खाएगा मर जाएगा, हिरण मेरा हो जाएगा। कलयुग बोला भाई देखो, यूं सोच रहा है कि हिरण मेरा हो जाएगा। देखो भक्तों, यही अपनी रियलिटी है, मैं सबके लिए नहीं कहती, लेकिन आज भी एक भाई सोचता है कि अगर भाई का राज भी मुझे मिल जाए तो माला माल हो जाऊं, कुछ नहीं करना पड़े, भाई का भी राज हो जाए। कहते गाना भी है, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग, बिल्कुल सही है, सबके लिए नहीं लेकिन आज भी है, और बहुत भाई अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ भाई सोचते अगर भैया का राज मुझे मिल जाए तो माला माल हो जाऊं। कलयुग कह रहा भाइयों देखो, अब सोच के जा रहा है, अब जो इधर बैठा है वो सोच रहा है दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, राज कलयुग का है हिरण सोने का है, दो हिस्सों में बढ़ जाए, काम करता हूं जैसे ही आएगा एक मारूंगा अंटा, मर जाएगा, हिरण मेरा हो जाएगा। कलयुग कह रहा भाइयों मैंने कुछ नहीं किया, अब ये देखो आपस में ही कर रहे हैं अपना काम, मैं कुछ नहीं कर रही, ये आपस में ही कर रहे हैं। अब जो आ रहा है, जिसने लड्डू बनवा लिए, जहर मिलवा लिया, और आ रहा है भक्तों किस प्रकार से, मिट मिट तालियों से, 1 2 3 4
होता क्या हुआ क्या सुनेगा, जहर मिलवा लिया रहा है और हुआ क्या, अरे जहर मिला लड्डुओं में लाया ना कुछ देर लगाई, सुन लो मेरे भाई हुआ क्या, अरे जहर मिला लड्डुओं में लाया ना कुछ देर लगाई, सुन लो मेरे भाई सोच रहा है क्या, अरे आते ही नजदीक दोस्त के झट बंदूक चलाई और दोस्त की करी तबाही तबाही, जैसे ही दोस्त आया एक बंदूक तान दी और मर गया। कलयुग ने कहा भाइयों देखो एक ने एक को मारा, अब सुनो आगे क्या हुआ, एक मर गया। अब लड्डू देख रहा है खाने को क्या लाया है, लड्डुओं को देख रहा है खाने को क्या लाया है, लड्डुओं को देखा। अब भाई कलयुग कहने लगा देवता देखो एक ने एक को मारा, अब सोच रहा है कि खाने को क्या लाया है। अगर वहां कोई होता तो बता देता भैया जहर मिला है मत खा, लेकिन कोई बताने वाला नहीं। अब हुआ क्या सुनेगा, लेकर के लड्डू खाने लेकर के लड्डू खाने लगा है निहार के, धर्म और करम ना होवे शर्म बेसुमार के, धर्म और करम ना होवे शर्म बेसुमार के, धर्म और करम ना होवे शर्म बेसुमार के। जय हो, अगर बात अच्छी लगे तालियों से। Shut up, bitch, you are.
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.